मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ किस ऑर्डर में होगा ये आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उसका वेवलेंथ इनमें से किस ऑर्डर में है। जैसे कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ का ऑर्डर आपसे पूछ दिया, तो देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहां पे पहला कॉस्मिक रे जिसके वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड 10^-14 मीटर के ऑर्डर में लेते हैं। ये ऑर्डर है 10^-14 मीटर के ऑर्डर में लेते हैं कॉस्मिक रे का। गामा रे इसका वेवलेंथ 10^-11 मीटर के ऑर्डर में लेते हैं। एक्सरे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेमडा 10^-9 मीटर के ऑर्डर में लेते हैं। यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, इसका लेमडा 10^-7 मीटर के ऑर्डर में लेते हैं। और मेजेबल रे लेमडा 10^-6 मीटर, ये सब मेजर्ड वैल्यू है, इसको ध्यान रखना है। कभी कभी याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दिया कि विजिबल रे का वेवलेंथ इनमें से चार ऑप्शन दे दे और कह दे इनमें से किस ऑर्डर में लिखा जाता है, तो उसके लिए ये बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इसको ध्यान रखिएगा। तो इंफ्रारेड रे इसका लेमडा 10^-4 मीटर के ऑर्डर में लिखते हैं। माइक्रोवेव इसका लेमडा 10^-3 मीटर के ऑर्डर में लिखते हैं। रडार इसका लेमडा 10^-2 मीटर के ऑर्डर में लिखते हैं। टेलीविजन वेव लेमडा 10^0 मीटर, मतलब बहुत ही अधिक हो गया वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड, इसलिए टेलीविजन वेव में लेमडा बहुत बड़ा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम होगा, इसलिए अधिक रेंज को कवर नहीं कर पाएगा ये वेव। और रेडियो वेव सबसे अधिक वेवलेंथ इसी का है, 10^2 मीटर, 10^2 मीटर, इसलिए रेडियो स्टेशन बहुत नज़दीक नज़दीक में बनाया जाता है, क्योंकि बहुत लंबे रेंज में इसका
रेडियस ये फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ सकता है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यानी बताया गया था इस फॉर्मूला से कि डेल ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, यानी सी एच सी कॉन्स्टेंट है तो 1/λ के प्रोपोर्शनल और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। तो लेमडा बढ़ेगा तो स्वाभाविक है एनर्जी घट जाएगा और फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। तो जितना बड़ा वेवलेंथ उतना कम फ्रीक्वेंसी और जितना छोटा वेवलेंथ उतना अधिक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अधिक होने का मतलब कि अधिक से अधिक रेंज का कवरेज होना, ज़्यादा दूर तक रे का प्रोपेगेशन होना, वेव का प्रोपेगेशन होना, ये सेंस है आज, ये ध्यान रखें। तो हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ देखते हैं एक क्वेश्चन, अगर आपसे ऐसा पूछ दे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम, है ना, फर्स्ट लेवल यानी N1 बराबर 1 टू N2 बराबर 6, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स विल प्रोड्यूस, है ना, ये क्वेश्चन है आपसे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम N1 बराबर 1 टू N2 बराबर 6, यानी फर्स्ट लेवल से सिक्स लेवल पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन या सिक्स से फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, तो ट्रांजिशन के दौरान जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होगा वो कितने फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स काउंट करना है, यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करना है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट लेवल से किसी हायर लेवल पे, यही कॉन्सेप्ट है, फार्मूला एप्लीकेशन यहाँ जो करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे कि यदि क्वेश्चन में कह दे कि फर्स्ट लेवल से किसी भी हायर लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है या हायर लेवल से फर्स्ट लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, हायर लेवल से सेकंड लेवल पे नहीं, थर्ड लेवल पे नहीं, या सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल से हायर लेवल पे नहीं, ऑलवेज फ्रॉम हायर लेवल टू फर्स्ट लेवल और फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू हायर लेवल, यानी ये सर्टेन होना चाहिए, क्वेश्चन में फिक्स होना चाहिए कि N1 बराबर 1 से N2 बराबर 6, 7 या 5, 4, ये कोई भी लेवल हो सकता है, कोई भी हायर लेवल हो सकता है, लेकिन लोअर लेवल डेफिनेट होगा फर्स्ट। तो फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का फॉर्मूला लगाना है N(n-1)/2, ये फॉर्मूला यूज करना है, जहां पे n हमेशा वो हायर लेवल होगा जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके फर्स्ट पे आया, या जिस हायर लेवल पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से ट्रांजिट करके गया, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। क्या बोले कि n का वैल्यू हमेशा यहाँ पर वो हायर लेवल लेना है जिस हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके फर्स्ट लेवल पे आया या फर्स्ट लेवल से ट्रांजिट करके उस हायर लेवल पर गया, यहाँ n का वैल्यू डेफिनेट है, तो n इज इक्वल टू 6, इसलिए अगर 6 रखते हैं आप तो फार्मूला में, ये फार्मूला हो गया, ये आपका फार्मूला है,
तो आप रखेंगे 6 × 6 − 1/2 और यहाँ पे 2 से काट दें 3 और 5, 3 × 5 = 15। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया, इतना फोटॉन्स प्रोड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो 6 लेवल से n1 = 1 और n2 = 6 यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके फर्स्ट लेवल पे या फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल पे ये या ये जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होगा वो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स 15 प्रोड्यूस होगा, 15 ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगे। ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप देखें, लिखा जाए इसी क्वेश्चन में, देखिए अगर चेंज कर दें कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम n1 = और यहाँ 1 नहीं लिखे, यहाँ 1 नहीं लिखा, फर्स्ट लेवल यहाँ लिखा हुआ नहीं, फर्स्ट लेवल के अलावे कोई भी अदर लेवल हो और n2 = कोई हायर लेवल हो, जैसे यहाँ पे हम चेंज कर दें क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में चेंज कर दें, n1 = 1 नहीं लिख के यहाँ 2 लिखते हैं, n1 = 1 नहीं लिख के 2 लिखते हैं, 1 यहाँ से हटा दें और n2 = 6 ही रखें, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये फॉर्मूला बदल जाए, चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला हो जाएगा n2 − n1 × n2 − n1 + 1/2। चेंज हो गया फॉर्मूला, n2 − n1 × n2 − n1 + 1/2, ये फॉर्मूला हो जाए। और फिर यहाँ पे आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये फॉर्मूला हो गया, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना है। और यहाँ अब हो गया कि n जो है 1 फिक्स नहीं रहा, अगर 1 फिक्स रहता तो जो पहला फॉर्मूला लिखे हैं वो यूज़ करेंगे, अगर ये 1 फिक्स नहीं है, 1 के अलावे कोई दूसरा ऑर्बिट है, कोई दूसरा लेवल है, तो फॉर्मूला ये हो गया, यानी 6 − n1 = 2 और 6 − 2 + 1/2, फिर उसके बाद 4 × यहाँ हो जाएगा 5, है ना, यहाँ हो जाएगा 5 और बाई 2, इसको आप कैंसिल करें तो 10, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो प्रोड्यूस होगा वो 10 प्रोड्यूस होगा, क्लियर है, ऐसा ऐसा स्पेक्ट्रल लाइंस जो प्रोड्यूस होगा वो 10, चाहे वो 2 से 6 पर जाए या 6 से 2 पर आए, यानी n1 यहाँ पे 1 नहीं हो तो फॉर्मूला ये लगाना है, n1 यहाँ 1 के अलावे अगर कोई दूसरा लेवल हो 2, 3, 4 कोई भी, तो फिर फॉर्मूला ये लगाना है, और अगर n1 1 हो जाए तो फॉर्मूला पहला वाला लगाना है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिए। तो हम लोग देख रहे थे कि मैथमेटिकल अप्रोच बोर्स मॉडल का क्या है, ये देख रहे थे हम लोग, जिससे बहुत सारा फॉर्मूला आया, और इस फॉर्मूला में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे देखे, ये फॉर्मूला एनर्जी कैलकुलेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट, ऐसे सब फार्मूला इम्पॉर्टेंट है लेकिन एनर्जी कैलकुलेशन का फार्मूला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम लोग एक समरी के रूप में, फोर समरी मतलब याद रखने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, अगर फार्मूला को आप एक जगह कर लें बोर्स मॉडल में, तो पहला फार्मूला आप लिखे हैं MVR = NH/2π, जिसको कह रहे हैं आप क्वांटाइजेशन थ्योरी, किसका, बोर्स का क्वांटाइजेशन थ्योरी। ये भी एक क्वेश्चन है आपको
तीन चार इक्वेशन ऑप्शन में डाल दिया गया और कहा गया कि इसमें से कौन सा इक्वेशन क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ बोर्स मॉडल को बताता है। तो ध्यान रखेंगे एम बी आर बराबर एन एच बाई टू पाई को क्वांटाइजेशन थ्योरी कहते हैं बोर्स मॉडल का। सेकंड में आप फॉर्मूला लिखे डेल ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना हो तो ये फार्मूला लगाना है, या फिर वन यहाँ पे अगर ये फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एच न्यू सी बाई लेमडा को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसलिए सी बाई लेमडा के जगह पे फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। सेकेंड फार्मूला। और थर्ड फार्मूला आप देखें एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू आप लिखे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इन सब के थ्रू ये तो पोस्टुलेट जो किए थे बोरसाग, उस पोस्टुलेशन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फार्मूला दिया गया वो फार्मूला, इसको आप कैलकुलेट करके अलग अलग जो मैथमेटिकल अप्रोच आप लिए हैं उससे पहला फॉर्मूला निकला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी एनथ ऑर्बिट का, न्यूक्लियस नहीं एनथ ऑर्बिट का रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस आरएन, यानी रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट किया है। आरएन क्या है? रेडियस ऑफ एटम, यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस या डिस्टेंस ऑफ ईच ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखिए आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, ये एनथ ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट किए। चौथा, दूसरा आप कैलकुलेट किए थे वेलोसिटी, यानी पांचवा फॉर्मूला हो गया एनथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की वेलोसिटी। फॉर्मूला था 2.18 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला था। उसके बाद आप कैलकुलेट किए फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी सिक्स्थ में एनथ ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी 6.7 10 टू द पावर 15 जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब और यूनिट फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड, ये कैलकुलेट किए। सेवेंथ फॉर्मूला आप कैलकुलेट किए फ्रीक्वेंसी के बाद एनथ ऑर्बिट की एनर्जी, और ये एनर्जी कैलकुलेट किए -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, है ना, और इसी को जूल में बदल कर लिखे 21.76 गुना 10 टू द पावर -19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और जूल पर एटम। यही फॉर्मूला कहीं कहीं अर्ग में यूज किया गया हो तो आप लिखते हैं, ये माइनस है तो आप लिखते हैं 10 टू द पावर 7 अर्ग बराबर 1 जूल, 10 टू द पावर 7 अर्ग बराबर 1 जूल। अगर 10 टू द पावर 7 से इसको गुना कर दें तो 10 टू द पावर -12 आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को आप लिखेंगे 21.76 गुना 10 टू द पावर -12 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर और यूनिट हो जाएगा अर्ग पर एटम, ये फॉर्मूला। तो यूनिट है खाली, चेंज है फॉर्मूला, तो ये है, मैंने इसी से निकला ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुना कर दिए, इसको जूल में बदल गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से इसको खाली गुना किया तो ये आ गया। तो वो तो आप न्यूमेरिकल बनाते समय ये सब कन्वर्ट करने आना चाहिए आपको। अब देखें यहाँ पे सेवेंथ के बाद एट्थ फॉर्मूला में,
एक्ट में देखिए एनर्जी कैलकुलेशन के बाद जो फॉर्मूला आप लिए हैं वो फॉर्मूला है आठवां वेवलेंथ का, और वेवलेंथ का फॉर्मूला है 1/λ, यानी वेव नंबर निकालते हैं यहाँ से आप लेमडा निकाल लेंगे, तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर और माइनस N2 स्क्वायर। ये टोटल फॉर्मूला आपके सामने आया है, और अभी एक फॉर्मूला बताए थे कि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स कह दे, नंबर ऑफ फोटोन्स कह दे निकालने के लिए, जहाँ पे लोअर लेवल मस्ट बी 1 यानी फर्स्ट लेवल, जहाँ पे वेयर लोअर लेवल मस्ट बी फर्स्ट, ठीक है, ऑर्बिट जो लोअर लेवल हो वो निश्चित रूप से पहला ऑर्बिट हो। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स n(n-1)/2, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना हो जहाँ पे लोअर लेवल मस्ट नॉट बी, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए फर्स्ट लेवल, तो यहाँ पे वेयर लोअर लेवल मस्ट नॉट बी फर्स्ट ऑर्बिट, अगर लोअर लेवल निश्चित रूप से पहला लेवल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में n2-n1 + 1 और by 2, ये फॉर्मूला लगाना है। इतना फॉर्मूला हम लोग अभी देखें जिससे कि हम लोग क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, जो बोर्स के मैथमेटिकल अप्रोच से हम लोग निकाले ट्राई किए, अब इसी आधार पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्वेश्चन कहा जाए कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रांजिट्स फ्रॉम n1=1 टू n2=4। क्वेश्चन कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जब n1=1 से n2=4 पर ट्रांजिट कर रहा है, तो फिर ऐसे स्थिति में उस इलेक्ट्रॉन का यानी जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगा उसका वेवलेंथ बताएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रांजिट्स फ्रॉम n1=1 टू n2=2। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब एटॉमिक नंबर से, कि एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ काउंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो वेव प्रोड्यूस करेगा उसका वेवलेंथ काउंट करेंगे। तो यहाँ सेंस समझेंगे, यहाँ एन इलेक्ट्रॉन लिखने का सेंस है कि आप ये समझें कि एटॉमिक नंबर का वैल्यू 1 ले रहा है। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ अप्लाई होगा, ट्रांजिशन तो 1 से 4 पे हुआ, तो फॉर्मूला वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया गया 1/λ आर एच जेड स्क्वायर और 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये कहा गया। अब यहाँ पे इससे इसका वैल्यू जानते हैं आप, जेड का वैल्यू 1 हो गया, ये मालूम है आपको n1 n2, लेमडा कैलकुलेट कर लीजिए, ये फॉर्मूला लगाना है, क्लियर है। इसी जगह क्वेश्चन कह दे कि इफ
इफ एनर्जी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इन सेकेंड ऑर्बिट इज 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल एंड इन फोर्थ ऑर्बिट इज 2.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस इंटू 10 टू द पावर माइनस आप कह दें यहां पे एनर्जी 10 टू द पावर माइनस 14 कैलकुलेट कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन इस ट्रांजिशन का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन ट्रांजिशन का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है यानी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिट किया उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना तो आप यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जरा बताइए सेकेंड और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि आप बताएं कि इसमें लेमडा का मैग्नीट्यूड क्या होगा एक चीज देखिए आप फॉर्मूला क्या लिखते हैं ई फोर फोर्थ ऑर्बिट माइनस ई टू सेकेंड ऑर्बिट इसको क्या कहते हैं डेल्टा ई है ना बराबर एच सी बाई लेमडा यहां से लेमडा कैलकुलेट करना है और डेल्टा ई का वैल्यू ई टू माइनस ई वन ये बड़ा होगा यहाँ पे वही देख रहे थे यहाँ टेन कर लीजिए एनर्जी ये बड़ा लेना होगा ना फोर्थ ऑर्बिट का क्योंकि हायर टू इससे इसको घटाना है ये बड़ा ये छोटा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्लस में दिया हुआ है एनर्जी तो माइनस में लेते हैं ना मैग्नीट्यूड अगर आप इसको माइनस में यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन में माइनस में अगर लिखा रहे हम तो प्लस में लिए हैं अगर माइनस में ये लिखा रहता इस तरह से लिखा रहता तब यहाँ पे आप माइनस 14 अगर लिए थे तो फिर ठीक था कि इससे आप इसको घटाते तो ये बड़ा हो जाता है छोटा प्लस में आ जाता प्लस वैल्यू बड़ा हो जाता और माइनस वैल्यू छोटा हो जाता तो डेल्टा ई प्लस में आ जाता यहाँ डिफरेंसेस प्लस में ना आएगा तो मैग्नीट्यूड यहाँ देख लेंगे किस टर्म में क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर माइनस में दिया हुआ है तो फोर्थ लेवल का जो वैल्यू होगा वो माइनस में है तब भी बड़ा है और अगर प्लस में है तब फिर यहाँ ऑर्डर 10 टू द पावर माइनस 10 लिखती है तो यहाँ क्वेश्चन पर देखिए किस टर्म में दिया हुआ है एनर्जी तो ऑर्बिट पे माइनस में लेते हैं तो मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में आपको देख लेना है अगर यहाँ 14 लिए हैं तो इसको माइनस में रखिए सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी का मैग्नीट्यूड माइनस इतना और फोर्थ एनर्जी के फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी का मैग्नीट्यूड माइनस में इतना दिया हुआ है तो लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है ये आप फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे अब यहाँ से हम लोग ये तो बोर्स मॉडल था जो समाप्त हो गया नेक्स्ट हम लोग क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा अगले क्लास में कि बोर्स मॉडल में क्या डिफेक्ट्स है डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स मॉडल उसके बाद समरफील्ड मॉडिफिकेशन क्या कहता है बोर्स मॉडल के बारे में और फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं आज इतना है।